अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप डॉक्टर हैं और अस्थमा के भीषण अटैक में आपके रोगी का दम घुट रहा हो तो शरीर में साइड इफेक्ट की परवाह किए बगैर स्टेरॉइड्स पंप करने के अलावा आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप। 70% बैंकिंग सरकारी हों या वे दिवालिया होने के करीब हों तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। फंड खड़ा करने के लिए बॉन्ड जारी करने का आइडिया चतुराई भरा है। फुल स्टॉप। लेकिन अब नकदी से मालामाल अन्य सार्वजनिक उपक्रम कौमा जिनमें ज़्यादातर ऊर्जा क्षेत्र की मोनोपोली हैं कौमा को ये बॉन्ड खरीदने को कहा जाएगा। फुल स्टॉप। यह विचलित करने वाली बात है। नेक्स्ट पैरा। हम इतने भी ना समझ नहीं हैं कि उनसे इंदिरा गांधी की सबसे खराब विरासत कौमा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उलटने की मांग करें। फुल स्टॉप। लेकिन वे सिर्फ दो सबसे ज़्यादा संकट में फंसे बैंक बेचने से शुरुआत करके घोषणा कर सकते थे कि अगले 10 साल तक हर साल सबसे खराब बैलेंस शीट वाला बैंक बेच दिया जाएगा। फुल स्टॉप। इससे बाजारों में बिजली दौड़ जाती कौमा दूसरे बैंकों को झटका लगता कौमा बे बेहतर काम करते कौमा राजनीतिक वर्ग पर वोट खरीदने के लिए करदाता का चेक देने पर पाबंदी लगती और मोदी का नाम महान सुधारकों में शामिल होता। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा। पर क्या मोदी जी बाकी चाहते हैं कि उन्हें आर्थिक सुधारक के रूप में याद रखा जाए? फुल स्टॉप। सार्वजनिक उपक्रमों से वादा करना या बिजनेस में सरकार का होना सुधारक होने की एकमात्र कसौटी नहीं है, लेकिन कौमा यह अहम है। कोई भारतीय नेता यहाँ तक कि मनमोहन सिंह कौमा पीवी नरसिंह राव और पी चिदंबरम सार्वजनिक उपक्रम बेचने की हिम्मत नहीं जुटा सका। फुल स्टॉप। केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह वादा था। फुल स्टॉप। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने रोक दिया। फुल स्टॉप। संसद की मंजूरी के बिना विनिवेश पर इसने रोक लगा दी और तेल की दो दिग्गज कंपनियों HPCL और
BPCL की बिक्री रुक गई, फुल स्टॉप। मोदी से उम्मीद थी कि वे अपनी ही पार्टी के प्रेरणा डैश पुरुष का अनुसरण करते, इसकी बजाय वे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क। वे अपनी ही ONGC को HPCL बेच रहे हैं फुल स्टॉप। एक बार फिर से ही माइलो से व्यापार कर रहा है, वह भी सरकारी धन से फुल स्टॉप। कैच डैश 23 मोदी समर्थकों का कहना ठीक है कि वे आज चुपके से सुधार नहीं किए जा सकते थे, लेकिन जनमत बदलने में मोदी से ज़्यादा माहिर कौन है क्वेश्चन मार्क। सवाल है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वे इसे करना भी चाहते हैं या नहीं क्वेश्चन मार्क। और यदि नहीं कॉमा तो वे चाहते क्या हैं क्वेश्चन मार्क। उत्तर है उनकी राजनीति फुल स्टॉप। वाजपेयी के विपरीत वे प्रतिबद्ध स्वयं सेवक हैं और उन्हीं तरह पुराने RSS वाले सामाजिक अर्थशास्त्र की नादानी को ठहाका लगाकर खारिज करने की बजाय उन्हें इस पर सच्चा भरोसा है फुल स्टॉप। मोहन भागवत की तरह सच्चा स्वयं सेवक बनने और वाजपेयी की तरह आधुनिक सुधारक के रूप में याद रखे जाने की चाहत के बीच फंसकर वे एक और इंदिरा गांधी बनकर रह जाते हैं कॉमा। एक महान सांख्यिकीविद, एक महान आर्थिक राष्ट्रवादी कॉमा विस्तारपाती और उत्तरोत्तर नियंत्रण बढ़ाती सरकार को चला रहा है फुल स्टॉप। मैं उनकी राजनीतिक डैश आर्थिक धारणा कुछ ऐसी ही पाता हूँ। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था चलाने में कुछ गलत नहीं है, जब तक कि आप सरकार बुद्धिमानी और ईमानदारी से चलाते हैं फुल स्टॉप। आदर्श राज्य की तलाश कभी सफल नहीं हुई, संभावना अब भी नहीं है। मोदी ने अपनी युवावस्था और प्रौण आयु पूर्णकालिक स्वयं सेवक के रूप में गुजारी है और उसका असर आसानी से नहीं जाएगा फुल स्टॉप। लेकिन अब दुनिया से वास्ता कौमा विश्व नेताओं से मुलाकात कौमा सफल अर्थव्यवस्थाओं व समाजों को चलता देखना कौमा उन पर असर डालेंगे और वे भी नव उदारवादी आदर्श गले लगाएंगे। सामाजिक
धार्मिक रूढ़िवाद और उदारवाद के साथ नहीं रह सकते। यही वह राजनीति है जहां मोदी का अर्थशास्त्र फंस गया है। इसे हम क्या नाम दें? मैं बताता हूँ, कैच डैश 24 पॉलिटिक्स। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे शेयर, कमेंट और लाइक आप ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी न्यू नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहेंगी।